गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर क्लास सेवन्थ की गणित विषय की कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 17 और तिथि है 24/11/2020। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारा यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। तो आइए अब हम सोचें और करें, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है, यानी कि कितने स्टेप्स हमें करने होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणमिति ये पोस्टर बनाइए, उस पर रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखें। तीसरा, रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया। कारण लिखिए, क्यों नहीं बना पाया, तो उसका रीज़न हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आगे ज्यामिति में रचना का अर्थ होता है आकृतियाँ, यानी कोणों रेखाओं को सटीक रूप से खींचना। रचना करने में कंपास, स्केल और एक पेंसिल का उपयोग किया जाता है, यानी कि कभी भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब बनाई जाती है तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, स्केल है, कंपास है और पेंसिल। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिया जाता है तो त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। नंबर एक, 3 भुजाएं दी हुई हों, यानी कि आपको ट्रिपल साइड्स दी हुई हों। दूसरा, 2 भुजाओं, दोनों भुजाओं के बीच एक कोण दिया हुआ हो, यानी कि आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरा है, 2 कोण और 2 कोणों के बीच की एक भुजा, यानी कि 2 कोण आपको दिया हुआ है और उनके बीच की एक साइड दी हुई है। चौथा ऑप्शन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा, जिसको RHS कहा जाता है। RHS दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। आइए उदाहरण के साथ त्रिभुज की रचना को हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको रचना दी गई है कि किस तरीके से की गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर एक, एक त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों की माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई AS से कसौटी द्वारा दी गई हो। तो उदाहरण, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए, जबकि XY 6 सेंटीमीटर है, ZXY 30 सेंटीमीटर है, XYZ 30 डिग्री है और ये एंगल XYZ 100 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो पहले चरण में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले है, पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचेंगे। तो सबसे पहले रफ स्केच आपको बनाना होता है, रफ स्केच जैसे यहाँ पर बनाकर दिखाए, तो आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। आकृति 1 में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आकृति को, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचेंगे। फिर 6 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ एक्स से पर यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर आगे यहाँ लाइन, इसको आगे तक लाइन को खींचेंगे। फिर वाई पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 30 डिग्री का बनाया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि फिर आपने यहाँ पर इस पर वाई पर यहाँ 100 का एंगल बनाते हुए लाइन खींची, जहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, या इस लाइन को आगे तक यहाँ तक बढ़ाना है तो ये लाइन यहाँ पर कट करेगी, जेड पर कट कर रही है। तो ये जो त्रिभुज हमारा बना, तो ये त्रिभुज बन गया हमारा XYZ। तो जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे इसको लिखना भी होता है, उसको कहा जाता है चरण, यानी कि स्टेप्स, इंग्लिश में स्टेप्स कहते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचिए, आकृति चरण 3 बिंदु X पर एक किरण XP खींचिए और XY से 30 का कोण बनाइए। आकृति चरण 4 बिंदु Y पर एक किरण YQ खींचिए जो YX से 100 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर एंगल 30 का कैसे बनाते हैं, तो एंगल 30 आप चांद से बना सकते हैं, यानी कि D के द्वारा बना सकते हैं इजीली, और 100 का भी आप D के द्वारा ही बनाएंगे, तो आप इजीली इनको बना सकते हैं। चरण नंबर 5, किरण XP तथा किरण YQ को आगे खींचने पर यह एक प्रतिच्छेद बिंदु Z पर मिलती है, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक ही बिंदु पर, उसको कहा जाता है Z पॉइंट, और XYZ एक तैयार आकृति हो गई, यानी कि आपकी त्रिभुज बनकर तैयार हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है और क्या चीज़ हमारे लिए दी गई है। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई दी गई है, तो RHS कसौटी द्वारा कैसे निकालते हैं। उदाहरण नंबर 2, यहाँ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज LMN दी हुई है कि रचना कीजिए जिसका LMN समकोण है,
तथा कोण एल एम एन यानी कि जो सेंटर में दिया होता है वो कोण माना जाता है, एल एन पर 5 सेंटीमीटर, एम एन भुजा जो है आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले चरण में आप क्या करेंगे, सबसे पहले रफ स्केच आप तैयार करेंगे। तो रफ स्केच आपने तैयार किया, ये रफ स्केच आपका इस तरीके से इसका बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेस है, बेस हमने ले लिया यहाँ पर एम एन यानी कि आपका 3 सेंटीमीटर लिया। फिर हमने क्या किया, एम बिंदु पर 90 का कोण बनाते हुए रेखा खींची जिसको एम एक्स लाइन कह दिया। क्या कह दिया, एम एक्स लाइन कह दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर यहाँ एम पॉइंट से यहाँ पर हमने कितने का, यहाँ पर ये हमने एन को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर जाकर एक चाप खींचिए जो एम एक्स को एल पर काटता है, यानी कि एन पॉइंट से एन पॉइंट्स पे हमने चाप यहाँ प्रकार की नोक को रखेंगे लोहे वाली को, और यहाँ पर हम पेंसिल वाली नोक से कट लगाएंगे एम एक्स लाइन पर। एम एक्स लाइन पर जहाँ पर वो कट करेगा उस पॉइंट को कह दिया एल, और एल और एन को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ज्वाइन करने के बाद में जो ये आकृति आपके सामने बनेगी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये कोण 90 का आपका सामने हो गया। तो इस तरीके से जो आकृति आपकी बनी वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी और वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो इसको जैसे जैसे आपने बनाए वैसे वैसे इसके स्टेप्स भी आपने लिखने हैं। तो चरण नंबर 2 में 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा एम एन खींची, फिर इसके बाद चरण नंबर 3 में एम पर किरण एम एक्स खींची जो एम एन के साथ 90 का कोण बनाती है। तो आकृति 3 हमें आप यहाँ देख सकते हैं। चरण नंबर 4 एन को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए, एम एक्स को बिंदु एल पर काटता है। तो आपको इनको सभी को अलग अलग आकृति बनाकर नहीं दिखाना है, आपने एक ही आकृति के अंदर ये सारी एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि जितने इसके अंदर दिखाए गए हैं उतने आपको नहीं बनाने हैं, एक ही आकृति बनानी। पहले तो रफ स्केच बनानी, उसके बाद में आप फेयर बनाएंगे उसके नीचे, उसी में सारे एक्सपेरिमेंट जो करके दिखाए हैं वो एक ही आकृति के अंदर एक्सपेरिमेंट सारे करने हैं। तो जैसे यहाँ पर लास्ट ये फाइनल हो रही है तो इसी के अंदर आप बनाकर दिखाएंगे एक ही जगह, तो वो सारा के सारा एक ही क्वेश्चन में आपका वहीं पर एक ही स्टेप में हो जाएगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टेप्स आपने अपनाए वो स्टेप्स आपने लिखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभ्यास के 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 2 क्वेश्चंस को कैसे करना है तो हम आगे नेक्स्ट शीट पर आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जैसे हम यहाँ पीछे भी बात कर रहे थे तो उस तरीके से हमने अब यहाँ पर एक ही आकृति बनानी है, उसके अनुसार अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एंगल पी 60, क्यू 30 डिग्री और भुजा क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए क्यू आर दिया हुआ है और यहाँ पर पी एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ तो इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन तीनों एंगल्स का सम लिखेंगे। तो यहाँ एंगल पी जमा के एंगल क्यू जमा के एंगल आर, तो इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ एंगल पी की वैल्यू 60 डिग्री हो गई और एंगल क्यू की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, और प्लस में एंगल आर आपको नहीं दिया हुआ है तो ये आपने निकालना है। तो ये 180 डिग्री, तो ये 90 हो गया हमारा 60 और 30, और ये एंगल आर बराबर 180, तो एंगल आर आपका हो गया 90 डिग्री। तो एंगल आर आपके पास में आ गया, तो अब आप क्यू आर लाइन खींचकर अब आप आसानी से त्रिभुज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आपको यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्यू आर लाइन लेंगे, तो क्यू आर लाइन सबसे पहले जितनी हमें दी हुई है उतनी हम लेंगे, 4.8 सेंटीमीटर का है तो 4.8 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर R हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर Q की जो एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 30 का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। इसके बाद में यहाँ पर R पर हम 90 का कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे, जहाँ पर ये दोनों के दोनों लाइन कटेंगी उस पॉइंट को कहा जाएगा P। तो इस तरीके से आप यहाँ पर त्रिभुज बना सकते हैं इजीली। तो ये त्रिभुज की रचना आपकी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या त्रिभुज एबीसी की रचना संभव है जिसका एंगल बी 120 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, भुजा बी सी 5 सेंटीमीटर दी हुई, कारण बताइए कि होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर दो कोणों का योग ही एंगल बी जमा के एंगल सी जमा के एंगल ए, यहाँ पर तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर 120 डिग्री ये ऑलरेडी हमारे लिए कहा है, एंगल सी 60 डिग्री कहा है, प्लस में एंगल ए अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाता है और एंगल ए बराबर 180 डिग्री। एंगल ए कितना रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 180 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पर एंगल ए हो गया हमारा 0 डिग्री। अगर एंगल ए हमारा 0 डिग्री आ रहा है तो ये संभव नहीं है, तो इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सवाल समझ में आ गए हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।